गैस आप लोग पूछते रहते हैं कि सर ऐसे स्टूडेंट जो अदर स्टेट से हैं और अगर वो हरियाणा से डीएलएड कर लेते हैं तो क्या वो उसके स्टेट में डीएलएड कोर्स वैलिड होगा। मान लीजिए दोस्तों आप जो है बिहार से हैं, आप दिल्ली से हैं और अगर आप दोस्तों हरियाणा से डीएलएड कोर्स कर लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज है, तो क्या दोस्तों ये जो कोर्स है क्या आपके स्टेट में वैलिड होगा। अगर मान लीजिए बिहार में बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है तो क्या आप इस कोर्स को करने के बाद वहाँ पर एलिजिबल होगे बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए। तो इस वीडियो में एक एक चीज़ आपका कंफर्म हो जाएगा और नवंबर में ही दोस्तों हरियाणा डीएलएड जेबीटी का जो एडमिशन है ये स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग कैसे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, और यहाँ पर गैस कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है गैस ये 65,000 रुपये है, ठीक ना। क्लास ट्वेल्थ में आपके नंबर के आधार पर एडमिशन होता है। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक ना। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गैस, आप किसी भी स्टेट से हैं और अगर आप दोस्तों हरियाणा से डीएलएड कोर्स करते हैं तो ये गैस आपका वैलिड होगा। लेकिन गैस आपको उसी कॉलेज से करना है जो एनसीटी, ठीक ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इससे जो रिकॉग्नाइज है, एससीईआरटी हरियाणा से रिकॉग्नाइज है। अब दोस्तों आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, तो आपको क्या करना है ना, देखो हरियाणा में जब भी एडमिशन स्टार्ट होता है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज है, इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको हरियाणा गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक ना, डीएड हरियाणा और एससीईआरटी हरियाणा, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरकर ही जो है आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्ट किसी प्राइवेट कॉलेज से कॉन्टैक्ट नहीं करना, ठीक ना, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद दोस्तों आपका जिस कॉलेज में नाम आएगा आपके नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक ना, ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा उस कॉलेज में। डायरेक्ट एडमिशन के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों आप बात कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट अदर स्टेट से डीएलएड कोर्स करते हैं हरियाणा में, तो वो तो रेगुलर आ जा नहीं सकते, तो ऐसे में कुछ पैसे देकर जो आपकी बात हो जाएगी। अब प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका नाम आता है तो वहाँ चले जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर और वहाँ पर बात कर लीजिए। और फीस एक साथ पे नहीं करना होता है, फर्स्ट ईयर की फीस लगभग आपसे 30,000 से 35,000 लिया जाएगा, कुछ पैसे ज़्यादा लेंगे, बस एग्ज़ाम देने जाना होगा। और ये कोर्स दोस्तों आपके स्टेट में वैलिड होगा, क्योंकि दोस्तों मैं खुद दिल्ली से जो है मैंने डीएलएड कोर्स किया है, तो ये बिहार में भी वैलिड है। और देखो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसका आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे आप बिहार के निवासी हो, डोमिसाइल हो और आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो उसका अलग से आपको आरक्षण मिलेगा। और भले ही आप पढ़ाई मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों जो इंडियन जो स्टूडेंट होते हैं वो विदेश भी जाते हैं, लेकिन आप पढ़ाई मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी करो, ठीक ना। बस ये है कि आप जिस राज्य के हो उस राज्य में आपको जो है और आरक्षण मिलेगा, और ये है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो इसका और फायदा होगा। बाकी अब हम बात करते हैं, एडमिशन जो है नवंबर में लगभग 17 नवंबर के आसपास स्टार्ट होंगे। और फीस की बात करें तो गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज में फीस 16,000 से 17,000 रुपये है, और प्राइवेट कॉलेज में फीस जो है ये 60,000 से 65,000 रुपये है। अगर आप रेगुलर नहीं जाना चाहते तो कुछ पैसे ज़्यादा लगेंगे। और अगर हम बात करें गाइस, उसके बाद यहाँ पर जो एडमिशन होता है ये क्लास ट्वेल्थ में आपके नंबर के आधार पर होता है, और प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, गवर्नमेंट में लगभग दोस्तों 1,000 के आसपास है। तो गवर्नमेंट के लिए तो आपके जो है 80% से ज़्यादा ही चाहिए ट्वेल्थ क्लास में, तो गवर्नमेंट में तो कम ही चांसेस है। अगर आप करना चाहते हैं तो नवंबर में एडमिशन स्टार्ट होंगे, मैं आपको जो है बता दूंगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।